हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। तो आज फिर एक और स्ट्रेटजी लेके आया हूँ मैं। इस बार हम यूज़ करने वाले हैं इंडिकेटर। ओके, मैं ये जो भी है सबको डिलीट ऑल कर लेता हूँ, दोबारा से बताएंगे। ओके, चार्ज कर लेता हूँ। हाँ ओके। हाँ, तो हमने पिछली वीडियोस में देखे, काफ़ी सारी स्टडीज देख चुके हैं अभी तक, जैसे कि आपकी EMA हो गई है ना, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, MACD देख लिया हमने, और कौन सी देख ली, बोलिंजर बैंड देख ली, है ना। ये अब तक हमने तीन से चार स्ट्रेटजीज देख चुके हैं। आज हमारी जो स्ट्रेटजी है, फोर्थ स्ट्रेटजी है ना, ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है ना। आप इसमें कम से कम, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एक तीन चार स्ट्रेटजी यूज़ करके एक साथ कैसे वर्क करना है, तो उसमें से आज एक है जिसमें से हम तीन या दो उस वो इंडिकेटर लेके यूज़ करेंगे। ओके, ये जो हमारे जो ट्रेड है, जो ट्रिक है, इसमें हमारा टाइम फ्रेम वो आपकी मर्जी है, वो तो एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने देर की ट्रेड लेनी है, सॉरी है ना, कितनी देर की ट्रेड लेनी है आपको। टाइम फ्रेम इसमें 1 मिनट का रखना है और ट्रेड टाइम होगा 2 मिनट, जो कि मेरा है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी आप जब कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, समझ में आने लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो चलो ट्रेड स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद करे बिना। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इंडिकेटर पे जाना है। सबसे पहले आपको ऐसे में ऐड कर ले लें, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, ऐसे में एक ऐड कर लिया, दो ऐड कर लिए, तीन ऐड कर लिए, तीन ऐसे में ऐड करने हैं। ओके, अब आप इनको एडिट कर लीजिए। जो पहला ऐसे में है उसकी वैल्यू आप कर लीजिए 7। ओके, कलर आप येलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सेकंड आते हैं ये रहा, सेकंड की वैल्यू कर लेते हैं 18, है ना। इसका कलर आप चेंज कर लीजिए, मैं ब्लू रख लेता हूँ उसका कलर। ओके, और थर्ड की वैल्यू कर देते हैं 25 25। ओके, इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। ओके, अब हम एक ऐड करेंगे इंडिकेटर पैराबोलिक। ओके, इसको आपको कुछ एडिट नहीं करना है ना, सेम रहने देना। आप भी सोच रहे होंगे क्या कर दिया भाई राज, भाई तुमने क्या कर दिया, ये सब कुछ इधर उधर फैला दिया, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्या से क्या होता है ना। देखो, ये जो एक तो आपको समझ में आ रहा हो, जो अपने पिंक ग्रीन ब्लू येल्लो हैं, ये क्या क्या है। तो ब्लू ये पिंक है, पिंक ये है तो इसका मतलब कि ये वो है पैराबोलिक है। ये येलो है तो ये ऐसे में है, 7 वाला है ना, 18 वाला ऐसे में, ब्लू वाला और ग्रीन वाला है, 25 का ऐसे में है, ये है ग्रीन वाला, ठीक है। इसमें वर्क करते हैं, देखो ये एक मिनट डाउन लगाता हूँ एक बार, है ना। इसमें वर्क करते हैं ऐसे, मैं जैसे ये लगा दी स्ट्रेटजी, ठीक है। इस ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, जो बात है। आपको इसमें देखना होता है कि जब येल्लो लाइन ब्लू लाइन को और ग्रीन लाइन को क्रॉस करे, जब येलो लाइन ब्लू लाइन को ग्रीन लाइन को क्रॉस करे, जिस भी साइड क्रॉस करेगा उस साइड आपको 2 मिनट की ट्रेड ले लेनी है। जैसे कि येलो लाइन है, येलो लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन को क्रॉस करा, है ना। तो मैंने जब भी 2 मिनट की ट्रेड ले ली डाउन की, है ना। और आपको ये भी देखना है, मतलब कि यही है, और ऐसी अपोजिट साइड है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही इस येलो लाइन ने ब्लू लाइन को और ग्रीन लाइन को क्रॉस करा, है ना, उसी साइड में आपको 2 मिनट की ट्रेड ले लेनी है अप की, है ना। देखो अप ही जा रहा है, यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर 2 मिनट की अप ले लिया आपने, 1 2 3, है ना, ऐसी ये है, ठीक है। और इस पैराबोलिक का मतलब है, जैसी ही पैर जैसे को पैराबोलिक का मतलब है, जैसे ये नीचे डॉट बनी, तो नीचे आपने देखा कि दो डॉट बन गई है, तो दो डॉट बनने के बाद आपको ये देखना है कि मतलब कि ये है पैराबोलिक काम करता है कि जैसे ही नीचे डॉट बनी तो नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना पैराबोलिक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको कि। तो इसका मतलब यही है कि पैराबोलिक हमें ये बताता है कि जैसे ही नीचे डॉट आई, नीचे से थोड़ा ऊपर को गया, तो मतलब कि अप ट्रेंड आने वाला है ना, और ये अप ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा था, तो हम चालू कर रहा था, तो ये 3 डॉट से 4 5 डॉट थी बस पैराबोलिक की, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही डाउन ट्रेंड आया, मतलब कि ये है ऊपर डॉट आई, तो मतलब कि डाउन ट्रेंड आने वाला है पैराबोलिक, ये बताता है हमें। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन है, देखो हमने डाउन ट्रेंड लगाया, 2 मिनट की ट्रेड लगे डाउन की, और डाउन ही है ग्राफ,
है ना, वो तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन डाउन ट्रेंड ही है। देखो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है ना, देखो प्रॉफिट 25 जो लगाए थे जीबीवी यूएसडी पे लगाए हमने, ओटीसी पे $20 हमारे पास आ गए, 82% दो वीक की ट्रेड लगाई थी है ना, तो इतने अच्छे से वर्क करती है, ये डाउन ही जा रहा है अभी तक भी है ना। वो भी बल्कि मैंने 10 सेकंड में आपको वीडियो में समझा रहा था, इस वजह से थोड़ी 5-6 सेकंड लेट हो गया, लेकिन फिर भी विन कर गया है ना। ये स्ट्रेटजी इस तरह फॉलो करती है। तो अब आते हैं यहाँ पे, आपको समझ आ ही गया होगा मैंने ट्रेड क्यों ली। मैंने ट्रेड यहाँ पे इसलिए ली, जैसे येलो लाइन ने ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन को दोनों को क्रॉस करा है ना, तो उसका मतलब कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। मैं 2 मिनट की डाउन ट्रेंड ले ली, और ऐसी पैराबोलिक के साथ मैंने पैराबोलिक भी देखा कि हाँ भाई डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है, तो भाई कंफर्म है, अब तो भाई डाउन ट्रेंड आने वाला है ना, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। देखो ये आया बिल्कुल कर्व हो गया, तो भाई अब भी डाउन ही जाएगा, ये अब भी डाउन ही जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाया ना कि येलो लाइन ने जैसे ही क्रॉस करा, तो आपको ये देखना है कि पैराबोलिक भी डाउन में जा रहा है नहीं जा रहा, जैसे ही क्रॉस करा डाउन ट्रेंड आ गया। ओके, और यहाँ पे आते हैं, अबे यार ये चला क्यों रहा है, सॉरी। खैर ये भी अपना काम ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा मैं वैसा ग्राउंड में बैठा हूँ ना, तो इसलिए शोर आ रहा बाहर से, सॉरी इसके लिए है ना। तो आपने स्ट्रेटजी देख ही ली होगी, अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो बैक करके देखिए, स्लो करके देखिए है ना। अब देखिए जैसे कि अभी डाउन ही चल रहा है, ये डाउन ही, इसे डाउन ही कहते हैं, जैसे सूर्य ये कैंडल अप जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अब जा रहा है, ये डाउन ही चल रहा है। यहाँ पे चाहे ट्रेंड चेंज हो सकता है, जैसे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ने बिल्कुल नीचे कट कर दिया है ना, तो क्या होता है कि ब्लू लाइन इसके नीचे आ जाएगी, ग्रीन लाइन ऊपर चलेगी, फिर येलो लाइन ऐसे करके चलेगी। यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, क्या पता जो पैराबोलिक वाली जो है पिंक डॉट, ये यहाँ बनने के बजाय इसके नीचे बन जाए अगली में, अगर नीचे बन गए तो समझो भाई अब ट्रेंड आने वाला है, ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर आने वाली है, जैसे ये उसके ऊपर चलेगी, तो मेरे ख्याल से जो पैराबोलिक डॉट है ना ये नीचे आ जाएगी कि हाँ भाई अब अपट्रेंड आने वाला है ना। तो बस इस तरह से फॉलो करती है, और आपको एक ट्रेड लेके दिखाई दी लाइफ प्रूफ है ना, बिल्कुल बीच में, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ था, इसलिए मैंने जब भी ट्रेड ले ली खामा, फिर बाद में ना बहुत टाइम लगता है देखने में कि भाई ग्राफ ढूंढो है ना। तो बस इस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करती है, और मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।